हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें उसका 11वां पाठ जो कि है कराती दहाड़। आज हम चर्चा करेंगे इस पाठ के सार के बारे में और जो सार है वो समझने से पहले कुछ कठिन शब्दों के जो अर्थ है वो जान लेते हैं। जैसे पहला शब्द है यहाँ पर वन, मानुष का मतलब होता है जंगलों में रहने वाला मनुष्य प्रजाति का बंदर। चिड़ियाघर मतलब वह स्थान जहां अनेक प्रकार के वन्य पशु पक्षी रहते हैं। कर्तव्य का मतलब काम या कला। आनंदित का मतलब खुश। दहाड़ का मतलब गर्जना। सहम का मतलब डर। विशाल का मतलब बड़ा। पिंजरा नुमा मतलब पिंजरे के आकार का। आवास होता है घर। ओर का मतलब तरफ। खुंखार मतलब भयानक या आप कह सकते हैं डरावना। कुरेदना मतलब खोदना या छेड़ना। आश्रय स्थल मतलब रहने का स्थान। आदमखोर मतलब आदमी या मनुष्य को खाने वाले। आत्मरक्षा मतलब अपनी रक्षा बचाव। बर्ताव का मतलब व्यवहार। शावक का मतलब होता है किसी भी पशु का छोटा बच्चा। सृष्टि का मतलब होता है संसार। आश्चर्यचकित मतलब हैरान। तो चलिए अब इस पाठ के सार की हम लोग चर्चा करते हैं। तो इस पाठ की कहानी कुछ ऐसी है कि जो बच्चे हैं वे चिड़ियाघर देखने गए थे और वो पेड़ों पर उछलते कूदते प्राणियों को देखकर बहुत खुश थे। अचानक बाघ की दहाड़ सुनकर वे सहम गए, डर गए। एक पिंजरे जैसे आवास में बहुत बड़ा बाघ बंद था और कुछ साहसी बच्चे उसके निकट पास चले गए। बाघ ने उनसे कहा कि डरो मत, धरती का सब भयानक जान मतलब वो सबसे भयानक जानवर नहीं था, धरती का सबसे भयानक जानवर तो मनुष्य है। वो तो जंगल में अपनी माँ के साथ रहता है वो जानवर, और वह बहुत ही छोटा था बाघ। उसका वजन तो केवल 1 किलो था और आंखें भी बंद थी, पर अब तो वह पिंजरे में ही बंद है। बड़ा होने पर बाघ का शरीर 11 फुट तक लंबा और वजन लगभग 300 किलो हो जाता है। 4 वर्ष के वे युवा हो जाते हैं। जन्म के बाद 6 से 8 सप्ताह तक वे अपनी माँ का दूध पीते हैं और बाद में मांस खाने लगते हैं। बाघ प्राय अकेले रहना पसंद करते हैं पहले, और एक विशेष गन से वे अपनी सीमा निश्चित कर लेते हैं। जंगल में वे तरह तरह के पशुओं का शिकार करते हैं, पर चिड़ियाघर में तो उन्हें जीने के लिए जैसा भी हो वैसा ही मांस खाना पड़ता है। और वे मनुष्य को आत्मरक्षा, बीमारी, कमजोरी की अवस्था में ही मारते हैं। मनुष्य तो अपने स्वार्थ के कारण उन्हें मारता ही है। एशिया में तो अब केवल 2000 या आप कह सकते इतने ही बाघ शेष बचे हैं, जिसमें से भारत में उनकी संख्या जो सिर्फ 1400 है। अब इनकी सुरक्षा के लिए टाइगर परियोजना भी चलाई गई है कि जो बाघ है उनकी गिनती बढ़ाई जा सके, क्योंकि वो जरूरी होते हैं। आपको अगर ये सार समझ में आ गया है कि इस कहानी का सार क्या है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सबसे भयानक जानवर कौन है इस धरती पे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।